मानव, हम बालवीर को एक और बार बुलाते हैं, अगर वो आ गया तो। हाँ। बालवीर, 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 बालवीर क्यों नहीं आ रहा है? कोई मेरा सपना? अब नहीं मेहर, ऐसा मत सोच, बालवीर जरूर आएगा, आएगा। बालवीर, बालवीर, अरे तुम लोग क्यों मुसीबत को बुला रहे हो? भूल गए कल बालवीर ने हमको कितना हर्ट किया था? मुझे तो बालवीर के नाम से भी डर लगने लगा है। मत बुला बालवीर को, मत बुला। We hate बालवीर, hate बालवीर, hate बालवीर, we hate बालवीर, we hate बालवीर, we hate बालवीर, बस। बहुत हो गया। We hate बालवीर किसी ने भी कहा ना, तो एक-एक को पीट दूँगी। उसने एक क्या गलती कर दी? तुम उसकी सारी अच्छाइयाँ भूल गए? भूल गए ना किस तरह उसने अपनी जान पर खेलकर हम सबकी मदद की, हम सबको बचाया। तब तो वो तुम्हारा प्यारा बालवीर था ना, बी बी बी, बच्चों को बचाने वाला बालवीर। और आज उसी बी 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 को तुम सब वी हेट बालवीर, वी हेट बालवीर कह रहे हो। सोचो ये सब सुन के उसे कितना बुरा लगेगा। उनसे गलती हो गई, माफ कर देना ये। कोई बात नहीं जयराज, तो बोलो We love बालवीर, बालवीर come back, We love बालवीर, बालवीर come back। अरे तुम सब लोग शांत क्यों? बोलो, मैं तुम्हें एक एक को पीट दूंगा। अरे पीटेगा तो तू, पीछे देख। तो वो पिद्दी हवा निकल गई। रुक, मैं अभी बालवीर को बुलाती हूँ। बालवीर, 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 नहीं आएगा वो अब। और तुम दोनों ने बालवीर के साथ मिलके मेरा बहुत इंसल्ट किया है ना? अब देखना मैं तुम्हारी किसी बैंड बजाता हूँ, और तुम्हें बचाने के लिए भी कोई नहीं आएगा, समझा? देख मोंटू, अगर हमारे बुलाने पर बालवीर नहीं आएगा तो हम सर को बुलाएंगे। हाँ सर, तो सर को बुलाएगा। सर कोई ना बच्चों, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? मोनो तू शायद से भूल रहा है, सर मेरे पापा के गुलाम है। ये स्कूल मेरे पापा का है, और मेरे पापा स्कूल के ट्रस्टी, वो सर और स्कूल के सारे टीचर्स मेरे पापा के सामने से धूम दिला कर भागते रहते हैं। हमें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि बालवीर हम संभाल सकते। आपको बालवीर संभालिए, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि बालवीर इस तरह ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे हमारे शरीर से कोई हिस्सा अलग हो गया हो। हमें इस दुख को सहन करने की शक्ति दीजिए देवता। ये तो बहुत छोटा सा दुख है परियो, अभी तो दुखों का सैलाब आने वाला है और उसे दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी। आकाश, धरती, जल, वायु, अग्नि से बनी महाविनाशी सैलाब लाएगी। इसकी शुरुआत बालवीर से हुई, पर अब
तेरी बारी है रानी परी। दस, नौ, आठ, सात, छह, पांच, चार, तीन, दो, एक। मोंटू बॉस, सर, 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 तो मेरे पापा के हाथ की कठपुतली है। You understand? कठपुतली, पपेट, पपेट। क्या है बे? सर। क्या साल साल लगा है? सर आप कब आए? सर आप कब आए? बेटा जब तुम मेरी तारीफों के फूल बरसा रहे थे ना, तब। क्या कह रहे थे तुम? मैं नाचने वाली कठपुतली हूँ, तुम्हारे पापा का गुलाम हूँ, नाचते हैं। बेटा नाचोगे तो अब तुम, यस। जब तक तुम्हारे पांव चलेंगे तब तक ये लाठी नहीं चलेगी। चलो आ जाओ शुरू। वन टू थ्री। सॉरी सर। नहीं 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 नहीं, सारी मारी कुछ नहीं, अभी तो बाकी है। बहुत कुकड़ू कर रहे थे ना, अभी मुर्गा बना। सर मुर्गा? मुर्गा बना। अरे बच्चों, दो दिन बाद हमारे स्कूल में पेंटिंग का कंपटीशन होगा, लेकिन उसके पहले क्वालिफिकेशन राउंड होगा, जिसमें तुम सबको एक 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 पेंटिंग बनानी होगी और मुझे आकर दिखानी होगी, और जिसके पेंटिंग सबसे अच्छे होंगे वो क्वालिफाई हो जाएगा। सिंपल। तो कम ऑन बच्चों, शुरू हो जाओ अपनी अपनी पेंटिंग बनाना। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो बस पेंटिंग कंपटीशन यही मौका है आपकी खोई हुई इज्जत को वापस पाने का। हाँ, ये पेंटिंग कंपटीशन तो मॉन्टू द ग्रेटेस्ट लखानी ही जीतेगा। बजा के डमरू, लगा के चक्कर, छम छम नाचे मोरनी, अब मेरा मन बहलाएगी परिलोक की महारानी। मनोरंजन करने के लिए तैयार हो जाओ रानी परी। बालवीर के शोक में और रानी परी इस तरह? रानी परी, ऐसे शोक में वातावरण में आप हंस रही हैं? नहीं बाल परी, हम हंस नहीं रहे, ऐसा लग रहा है जैसे जैसे हमें कोई गुदगुदा रहा। ये क्या हो रहा है हमारे साथ? तुम
रानी परी मैं मुस्कुरा नहीं रहा, कोई अदृश्य शक्ति मुझसे करवा रही है। रानी परी मेरी बातों का विश्वास कीजिए। बालवीर भी इसी तरह से हंस रहे थे जब उन पे आरोप किए जा रहे थे। अरे क्या हो रहा है हमारे साथ? हमें ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने हमारे शरीर को अपने वश में कर लिया है और ये सब वो ही करवा रहा है। परी, हम जल्दी से अपनी शक्तियों के माध्यम से उस अदृश्य शक्ति को ढूंढते हैं। रानी परी, मैं ये जानबूझकर नहीं कर रहा हूं, मेरा हाथ अपने आप ऊपर आ रहा है। रॉकेट बेटा क्या कर रहा है तू? देख तो क्या क्या कर रहा है। माँ, मैं चूहे के गले में घंटी बांध रहा हूँ। घंटी बिल्ली के गले में बांधी जाती है। माँ, वो कहावत है और ये हकीकत है। देखो, जैसे ही चूहा ऐसे ऐसे आएगा, वैसे ही वो इस जलेबी को उठाएगा तो ये घंटी बजेगी। वैसे ये बुरा ऐसे तबाह से निकल जाएगा और चूहा मर जाएगा। पर इसकी रस्सी तो मानव महल के कमरे में धरी। हाँ, क्योंकि मैं मानव महल के कमरे में छुपूंगा, जैसे ही ये घंटी बजेगी मैं ये बुरा छोड़ दूंगा। पर बेटा, चूहा तो तू ये रैपर से भी पकड़ सकता है ना। रैपर? ओ अच्छा, रैपर। हाँ वही, सेम टू सेम। ओ नहीं नहीं माँ, मैं इस बार चूहे को एक बड़ा सा बक्से खाऊंगा। जैसे ये वो चूहा आएगा और ये बड़ा सा बोरा इसे धमाक से गिरेगा और धमाक से मर जाएगा। अच्छा, अब चूहे के आने का समय हो रहा है, इसलिए अब तुम जाओ, कहीं चूहे ने तुमको देख लिया तो भाग जाएगा, है ना? जाओ जाओ जाओ, कर, तुझे जो करना है कर। थक गया मारे मारे। जलेबी? वाह, आजू बाजू भी कोई नहीं है। वारे मेरी जलेबी, तुम्हें मालूम है तुम्हारी जुदाई में मैं अक्सर क्या कहता हूँ? महाविनाशनी। हाँ, महाविनाश, बुराई की रक्षक, सच्चाई की विनाश, महाविनाश। महाविनाशनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? हम तुम्हें समाप्त कर देंगे। तुम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर पाओगे। जैसा मैं कहूंगी वैसा करोगे तुम। मेरे इशारों पर नाचोगी रानी परी, क्योंकि तुम्हारा शरीर मेरे वश में है। परियों, देखना चाहती?
तुम्हें और तुम्हारे खेल को अभी समाप्त करते हैं। परियो, दिखा दो इससे अपने शक्तियों का नमूना। क्या नमूना पेश किया है। मूर्ख परियां, भूल गई कि तुम्हारी रानी परी मेरे हाथ की कठपुतली है। मैं जैसे चाहूं वैसे उपयोग कर सकती हूं इसका, क्योंकि इसका शरीर मेरे वश में है। ठीक उसी तरह जिस तरह मैंने बालवीर को अपने वश में किया। मूर्ख परियां, भूल गई कि तुम्हारी रानी परी मेरे हाथ की कठपुतली है। मैं जैसे चाहूं वैसे उपयोग कर सकती हूं इसका, क्योंकि इसका शरीर मेरे वश में है। ठीक उसी तरह जिस तरह मैंने बालवीर को अपने वश में किया था। बेचारा कहता रहा मैं निर्दोष, मेरा शरीर किसी के वश में, पर तुम लोगों ने उसकी नहीं सुनी। वाह, जिसे बुराई को मिटाने के लिए बनाया था उसे सच्चाई ने मिटा दिया। बालवीर को समाप्त करने की योजना मैंने बनाई और तुम मूर्ख परियों ने उसे पूर्ण किया। इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई हमसे? हमने हमारे बालवीर के साथ अन्याय किया। बहुत कष्ट हो रहा है रानी परी, पर अब क्या उपयोग? अब तो बालवीर मर चुका है तुम लोगों का बालवीर। महाविनाशनी, तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा और तुम्हारी मृत्यु ही बालवीर को श्रद्धांजलि होगी। कौन मारेगा मुझे? तुम मारोगे मुझे जो खुद मेरी उंगलियों के इशारों पर नाच रही है। मारो रानी परी, उठाओ अपना दंड। क्या हुआ, नहीं हो रहा है? मेरी मर्जी के बिना तुम हिल भी नहीं सकती रानी परी। मैं तुम्हें रानी परी क्यों कहूं? अब यहां की रानी मैं, जहां एक रानी हो वहां दूसरी की क्या आवश्यकता? अब यह परिलोक मेरा है, यहां की रानी मैं, महाविनाश, आकाश, धरती, जल, वायु, अग्नि से बनी महाविनाशी। महाविनाशिनी तुम्हें मृत्यु दंड देती है। Thank you.
अपनी मृत्यु के समीप जा। मेहर, मैं क्या बनाऊं? मानव, मैं खुद नहीं सोच पा रही हूँ कि मैं क्या बनाऊं, फिर तुझे क्या कहूँ कि तू क्या बनाएगा? सुनो, स्टैचू, खबरदार, खबरदार, अगर तुम हिले तो मोंटू बॉस तुम्हारी पिटाई कर देंगे, अंजर पंजे ढीले कर देंगे मोंटू बॉस। मैं उस मोंटू को पीट दूंगी। हे रुक जा, ये रोहित जैसा बोलता है वैसा कर, और अभी तो बालवीर भी हमारी मदद करने के लिए नहीं आ रहा। हमें ऐसा कब तक रहना पड़ेगा? जब तक मोंटू बॉस इस खूबसूरत नजारे को अपनी पेंटिंग में नहीं बदल देते, तब तक। वाओ, ब्यूटीफुल, वाह रोहित, वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। ये बड़ा मस्त सीनरी का है। बाय द वे प्रीतियो, मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी तुम्हारी ऐसी पेंटिंग बनाएगा, ऐसी पेंटिंग बनाएगा कि मैं यू क्वालिफाई हो जाऊंगा। तू ड्राइंग बनाएगा तब तो क्वालिफाई होगा, है ना मोंटू? मेहर, तू क्या करने जा रही है? बालवीर कहता है ना, अकल ताकत से ज्यादा पावरफुल होती है। मैं कुछ समझा नहीं। अभी एग्जांपल देती हूँ। मोंटू बॉस, कौन है जो मुझे कॉन्सेंट्रेट करने नहीं दे रहा है? बॉस, मेहर, तेरी तो सॉरी, वो क्या है ना, आप हम सबकी पेंटिंग बना रहे हो तो अच्छे से बनाना, हाँ, हम सब ठीक लगने चाहिए। क्यों? अरे, हम अच्छे दिखेंगे तभी तो फेमस होंगे। वाह, पेंटिंग मैं बनाऊंगा और फेमस तुम पिद्दी लोग होगे, कैसे? अरे बॉस, आप समझे नहीं? नहीं। अच्छा, समझाती हूँ। जब कोई फिल्म बनती है तो उसमें दिखने वाला हीरो फेमस होता है या बनाने वाला डायरेक्टर? हीरो। तो अगर आप हमारी पेंटिंग बनाओगे तो फेमस तो हम ही होंगे ना? हाँ। अब मेरी बना पहले। अरे पर मैंने आइडिया दिया था, मैंने बताया। अरे मेरी बहुत चलाकी था। पेंटिंग मैं बनाऊंगा और फेमस तुम पिद्दी लोग, हाँ? स्टैचू ओवर, बैठ जाओ अपने अपनी जगह पे। एक बात कान खोलकर सुन लो, फेमस सिर्फ मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी होगा, समझे? मोंटू बॉस, खुद की पेंटिंग खुद कैसे बनाओगे? बेवकूफ, मेरी पेंटिंग तू बनाएगा। हाँ, मैं? हाँ, तू मेरी पेंटिंग बनाएगा और मैं एक मस्त पोज दूंगा, और जब पेंटिंग खत्म हो जाएगी ना, मैं ड्राइंग टीचर के पास लेके जाऊंगा और फिर उन्हें बताऊंगा कि देखो सर, बाकी बच्चे तो कॉपी करके पेंटिंग बनाते हैं, पर ये पेंटिंग मैंने अपनी मन की आंखों से बनाई है, मतलब मन की आंखों में मैंने खुद को देखा और ये पेंटिंग बनाई है, तो वो इंप्रेस हो जाएंगे और फिर मैं यू क्वालिफाई हो जाऊंगा। चल जा, पेंटिंग बना, मैं मस्त वाली पोज देता हूं। वाह मोंटू बॉस, क्या लग रहे हो? भालू। क्या कहा? भालू, एकदम भालू लग रहे हो आप। इससे अच्छी पोज तो मैं आपको बता सकती हूँ। और हाँ, आपको तो पता है ना कि हर साल पेंटिंग कंपटीशन में मैं ही फर्स्ट आती हूँ। हाँ, ये तो सही बात है। तुम दो मुझे पोज दो। ये आपका जो पेट है ना, कुछ ज्यादा ही बाहर है, इसे थोड़ा अंदर लेते हैं। हाँ? अरे मोंटू बॉस, ये तो आपको धो रही है। तुम बताओ, बताओ, तुम पोज बताओ। मैं क्या, पूरी क्लास आपको बता सकती है एक ऐसा पोज जिससे आप यू क्वालिफाई हो जाओगे। हाँ, सच्ची है ना? तो आओ, सब पोज बताओ मुझे। हाँ, ऐसे रहना।
हाँ मंटू बॉस, हो गया। तेरी तो रोहित। मेरी कमर, पैर मेरा। सॉरी बाबूजी, सॉरी, दर्द हो रहा है यहाँ कमर में। कमर में तो दर्द हो ही रहा है तेरे वजह से, और चेहरे की चमक भी चली गई। चमक? बाबूजी के चेहरे की चमक कमक? हाँ बेटा, तेरे वजह से। वरना पहले मेरा चेहरा मोतियों की तरह चमकता था। भगवान जाने कब लौटेगी वो चमक। बाबूजी के चेहरे की चमक? बाबूजी, मेरे पास एक मस्त आइडिया है। मस्त आइडिया बोल के चला गया। ये आइडिया? बाबूजी हिल मत, हाथ नीचे कर लीजिए। बाबूजी तू करना क्या चाहता है बेटा? बाबूजी आपके पहले की ये मोती जैसी चमक है ना, वो वापस आना चाहता हूँ। ये क्या है? ये चमकू क्रीम बाबूजी, चमकू क्रीम। इससे आपका चेहरा मोतियों जैसा चमक उठेगा। तू ये क्या बकवास कर रहा है? बकवास नहीं कर रहा हूँ, सही है। सही है? ए, 16 आने सच। भाई अमृतलाल डगली का बेटा हूँ, जुबान का पक्का हूँ। तो फिर लगा। अरे इतने से क्या होगा, थोड़ा बड़ा ही है ना। सुना नहीं, इतने से क्या होगा, और बड़ा और बड़ा। हाँ हाँ बाबूजी, थोड़ा और। और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा। हाँ बड़ा बड़ा लो। अरे बढ़ाई बढ़ाई बड़ा बड़ा। रॉकी, ये क्या किया तूने? ये बापूजी के चेहरे पे मोती जैसी चमकार वापस ला। इसके ऊपर गुस्सा क्यों कर रहा है? बापूजी गुस्सा करने वाली तो बात है। ये देखिए, ये दंत चमकू मंजन आपके चेहरे पे लगा रहा है। ये दंत चमकू मंजन? अरे लेकिन तूने ही तो कहा। मैंने? हाँ तूने ही तो कहा, अमृतलाल डगली का बेटा हूँ, 16 आने सच बात कर रहा हूँ। और अभी 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 पलट रहा है, चारणी जैसी बात करके पलट रहा है। तू नहीं तो कहा और बढ़ाओ और बढ़ाओ। हाँ हाँ और बढ़ा और बढ़ा, ये देखो और बढ़ा है। बापूजी वो तो मैम, वो ब्रोकर से बात कर रहा था मैं, वो रेंट बढ़ाने की बात कर रहा था। ब्रोकर रेंट? किस चीज का रेंट भाई? बापूजी मैंने एक जबरदस्त आइडिया लगाया। वो 18 लाख का कर्जा हो गया है ना, उसे उतारने के लिए अपना जो स्टोर रूम है ना, उसे खाली करके साफ सुथरा करके एक पेंगेस रखते हैं। तो पेंगेस का भाड़ा बढ़ाने की बात, उसका भाड़ा बढ़ाने की बात कर रहा था मैं, ये वो ब्रोकर के साथ। 18 लाख का कर्जा तो उतर जाएगा, लेकिन मेरे इस उतरे हुए चेहरे की चमक कब आएगी? रॉकी मेरे पास एक और आइडिया है। Oh!
रानी प्लीज से कहने कि गया मैं बच जादू खाई में गिर के भी पहुंचना मुझे जल्द से जल्द खाई के ऊपर गया मुझ पे उठो बड़ भाई उठो होगा मुझे जल्द से जल्द बताना परियों से कि गया बच में वरना कहीं देना दे वो सजा बालवीर को उस गलती के लिए जो उसने है ही नहीं की देखो सच्चाई कैसे अपना अस्तित्व मिटाने के लिए आगे बढ़ रही है महाविनाशिनी कहीं कर तो नहीं दिया इसने परिलोक पर हमला ये क्या है क्यों बढ़ रही रानी परी अग्नि कुंड की ओर नहीं रानी परी आगे मत बढ़ी रानी परी परिया रानी परी रुकिए रानी परी जा कर भी तुम्हारी रानी परी अब नहीं रुक सकती है मेरे हाथों की कठपुतली चुभन गई है महाविनाशिनी ये तो मतलब इसका करवाई इसने बुरे कार्य बालवीर के शरीर को भी अपने वश में करके महाविनाशिनी तुम्हारी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी सच्चाई को कभी कोई नहीं मार सकता और एक दिन तुम्हारा भी अंत होगा महाविनाशिनी लगता है मृत्यु को अपने समीप देखकर बौखला गई रानी पर अब मेरा अंत करने वाला कोई नहीं है बेचारा बालवीर तो न्याय के पत्थर पर अपना आखिरी दम तोड़ चुका कहता रहा कि डूबा डूबा एक को उसने नहीं मारा पर तुम मूर्ख परियों ने उसकी एक नहीं सुनी अब रानी परी की बारी आगे बढ़ो रानी परी क्या बालवीर न्याय के पत्थर पे रानी परी वो कर सकती आप ऐसे कैसे ये नहीं जिसने गलती दे दिया आपने उसे मृत्यु दंड उसी गलती के लिए परियो रानी परी को बचाना हमारा धर्म है कोशिश कीजिए परियो कोशिश कीजिए रानी परी को बचाइए हाँ भाई भाई हाँ परियो महाविनाशिनी से उलझने की कोशिश मत करना
जला के भस्म कर दूंगी तुम सबको। रानी परी को रोको। अलविदा रानी परी, अलविदा। परी ना रहा बालवीर, महाविनाशिनी अपनी योजना में सफल हुई। मिटा दिया मैंने सच्चाई को, मिटा दिया। हे भगवान, महेश यहाँ तो कितना सारा सामान है और मस्त भी बहुत है। मस्त नहीं माँ, दोस्त। वही सेम टू सेम। सेम है भाई, मुझसे नहीं होगा, मैं तो जा रही हूँ। बापूजी काम कहाँ से शुरू करें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कहीं से तो शुरू करना ही पड़ेगा, और जितना कमरा हम साफ रखेंगे ना उतने ही रेंट ज्यादा मिलेगा। बेटा तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। अरे भले मैं बूढ़ा हो गया हूँ लेकिन मुझ में अभी भी बहुत ताकत है। एक घंटे, सिर्फ एक घंटे में ये सारा सामान कमरे के बाहर होगा और फिर 10 दिन ऐसे कमर पकड़ के बैठ जाएंगे। बापूजी आप रहने दीजिए, मैं और रॉकी मिलके पूरा कमरा साफ कर देंगे। क्या रहने दे, क्या रहने दे। हा? अरे भले मेरी हड्डी बूढ़ी हो गई है लेकिन अभी भी मुझ में बहुत ताकत है। हाँ इस अलमारी से शुरू करता हूँ। मैंने संभाल के, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। जल गई आग? माँ कहाँ लगी आग? नहीं लगी है आग, नहीं लगी है, काम शुरू कर। ये दूसरी वाहियात पेंटिंग दिखा चुका है तू मुझे। अरे मेरी रातों की नींद हराम हो जाएगी। कुछ तो रहम कर बेरहम, मुझे भी तो रातों को सोना होता है। सॉरी सर, पर सर मैंने पहली मेरी पेंटिंग बना के दिखाई, आपको वो भी पसंद नहीं है वो मैं समझ सकता हूँ, पर ये वर्ल्ड क्लास पेंटिंग है सर, वर्ल्ड क्लास। देखिए ये है सोना लिखा, सोना लिखा। देखिए सर इसकी स्माइल देखिए, देखिए इसके एक्सप्रेशंस देखिए। आपको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है? ठीक है भाई पियून, अंकल जरा इस पेंटिंग को गौर से देखिए और बताइए ये पेंटिंग आपको कैसी लगी। देखा बेटा कितनी डरावनी बनाई है तुमने सोनालिसा। अब के अगर तुमने इस तरह की वाहियात पेंटिंग बनाकर मुझे दिखाई तो तुम्हें कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई कर दूंगा और तुम्हारी पेंटिंग बना बनाकर सारी स्कूल की दीवारों पर लगवाऊंगा कि इस गाड़िये से बचे। गेट आउट आउटसाइड। बॉस अब क्या करेंगे,
चल बताता हूँ। नादान परी, लगता है रानी परी के पहले मुझे तुम्हें समाप्त करना पड़ेगा। रानी परी, सच्चाई की रक्षा के लिए आपका यहाँ से जाना ही अच्छा होगा, जल्दी जाइए। हाँ रानी परी, अब जाइए, हम इस महाविनाशनी का मुकाबला करते हैं। महाविनाशनी, हम बहुत जल्द आएंगे तुम्हें मिटाने। नहीं रानी परी, नहीं जा सकती तुम। गाल परी, आप रानी परी की रक्षा के लिए उनके साथ जाइए, जल्दी कीजिए। जी भटका दी परी। गई रानी परी, अपना परिलोक छोड़कर भाग गई रानी परी। सच्चाई बुराई से डर कर भाग गई परी। तुम ये मत समझना कि तुमने अपनी रानी परी को बचा लिया, क्योंकि मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। आजकल किसी को सच्ची कला की कदर ही नहीं है। देख मेरी सोनालिसा को देख, ऐसी पेंटिंग आज तक किसी ने बनाई है? सोनालिसा देख कितनी प्यारी पेंटिंग है। रोहित तू बता ये कैसी है पेंटिंग? बकवास। वर्ल्ड क्लास। हाँ वर्ल्ड क्लास बकवास। चाहे ऐसी पूरी दुनिया आपकी पेंटिंग को बोले, पर मैं आपकी पेंटिंग को हमेशा वर्ल्ड क्लास बोलूंगा। वर्ल्ड क्लास। लव यू रोहित। चल चलो। तेरी पेंटिंग कितनी अच्छी है, तू तो क्वालिफाई हो ही जाएगी। थैंक यू मानव, तू भी क्वालिफाई हो जाएगा, तेरी भी पेंटिंग बहुत अच्छी है। मोंटू बॉस, ये पिद्दी हमसे आगे निकल जाएंगे। कुछ करो बॉस, कुछ करो। करूंगा, जरूर कुछ करूंगा। अभी तो वैसे भी वो बालवीर नहीं आ रहे, तो अब तो इन पिद्दियों की बैंड बचानी पड़ेगी। पकड़। वाओ, कितने मस्त पेंटिंग बनाया तुमने। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। पर ये तुम सर को नहीं दिखा पाओगे। क्या मतलब? इस मतलब का मतलब ये है कि तुमने जो तुम्हारे मतलब के लिए पेंटिंग बनाई है, उस पेंटिंग को मैं मेरे मतलब के लिए बेमतलब कर दूंगा। देख मोंटू, तूने कुछ किया ना तो पीट दूंगी। आउच, पापा, इट हर्ट। तुमने कभी सोचा अगर मैंने तुम्हें पीटा तो क्या होगा? एक बात कान खोलकर सुन लो, बालवीर तुम्हारी मदद करने के लिए आएगा नहीं। सो स्मार्ट किड्स, अपनी स्मार्टनेस दिखाओ और हट जाओ ताकि मैं स्मार्ट काम करूं। समझे?
वरना मैं तो वायलेंट होने में मशहूर हूँ और तुम साइलेंट होने में स्मार्ट। पेंटिंग ऊपर लो। गुड। आउट ऑफ माय वे। नहीं ऐसा मत मंटू, नहीं अरे मंटू मत कर ऐसा। वाओ ब्यूटीफुल वाओ मंटू ये सब करके तुझे क्या मिला? निजी आनंद PSYFITION सेटिस्फैक्शन। हाँ विद्यो सब लोग एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं तुम में से किसी को भी क्वालिफाई होने नहीं दूंगा, स्पेशली तुम दोनों को। सबकी पेंटिंग्स खराब करूंगा। ए हट। नहीं मोंटू, नहीं मोंटू प्लीज ऐसा मत कर। PSYCAFITION satisfaction। वेलकम। मेरे माँ क्या वाह, अब जाके कमरा ऐसा चमक उठा। हाँ अब तो पक्का अच्छा रेंट मिलेगा। अरे मिलेगा क्यों नहीं, इतनी मेहनत जो की है इसे चमकाने में, है ना? अब एक बढ़िया सी चाय मिल जाए ना कस्तूरी, तो सारी थकान उतर जाएगी। हाँ आप बना लो। हाँ हाँ बापूजी ये लाओ मैं रख देता हूँ। सुधा अदरक भी डालना। हाँ हाँ पहले ये तो ठीक कर लूँ। अरे क्या अदरक, क्या हुआ? अरे ये ड्रॉवर ऐसे बाहर कैसे आ गया? कुछ करता हूँ रुको। संभाल के संभाल के। अरे ड्रॉवर के अंदर कुछ अटका होगा। अरे कुछ नहीं अटका, मैं अटक गया हूँ। जिसे तुम परिलोक की रानी कहते हो वो तो कायर की तरह पीठ दिखाकर भाग गए। जो पीठ दिखाए वो सच्चाई की रक्षा कैसे कर सकती है? वो तो रानी बनने के लायक ही नहीं। मैं जानती हूं तुम सबको बहुत कष्ट हो रहा है, मैं दूर करूंगी तुम सबका कष्ट, क्योंकि अब इस परिलोक पर मैं राज करूंगी, मैं बनूंगी यहां की रानी। यहाँ की हर एक वस्तु पर मेरा हक होगा, तुम सब पर मेरा हक होगा। इस सिंहासन पर मेरा हक होगा। पूरा हो गया, मैं यहां की रानी बन गई। काल परी आप ठीक तो है ना? अब हम ठीक है रानी परी, लेकिन परी लोक पर जो विपदा आई है उससे हम कैसे निपटेंगे रानी परी? काल परी महाविनाशनी को पलट कर जवाब देने के लिए हमें कोई योजना बनानी होगी, लेकिन लेकिन उसके लिए हमें हमें थोड़ा समय चाहिए। बालवीर, बाल
रानी परी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज बालवीर को हमारे पास भेज दीजिए, नहीं तो बुराई सच्चाई और अच्छाई पर हावी हो जाएगी। रानी परी, आप सुन रही है ना रानी परी? बालवीर लौट आओ, बालवीर लौट आओ, बालवीर लौट आओ, बालवीर लौट आओ। बच्चों, अब बालवीर वापस लौटकर कभी नहीं आएंगे, क्योंकि वो बहुत दूर जा चुके हैं और हमने हमने अपने ही हाथों से बालवीर की सारी शक्तियां उनसे छीन ली हैं। बालवीर, हम खुद भी आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते, क्योंकि परिलोक की सुरक्षा के लिए हमें अपनी शक्तियों को भी त्यागना पड़ रहा है, क्योंकि अगर हमने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया तो महाविनाशनी को हमारे स्थान के बारे में पता चल जाएगा। अब इस संकट की घड़ी में सच्चाई और अच्छाई को अब कोई चमत्कार ही बचा सकता है। ये कैसी ध्वनि है? ये क्या हो रहा है? मुझे सांस लेने में तकलीफ क्यों हो रही है? महाविनाशनी, जब जब रानी परी परिलोक छोड़कर जाती है, तब उनके द्वारा लगाए गए सुरक्षा कवच में से कुछ ऐसे कण हवा में फैल जाते हैं, जिससे परिलोक की हवा और भी ज्यादा शुद्ध हो जाती है। इतनी शुद्ध कि कोई भी बुरी शक्ति परिलोक की हवा में ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकती। अब बहुत ही जल्द तुम भी इन हवाओं में घुट घुट कर मर जाओगी। इतना प्रसन्न होने की जरूरत नहीं है, इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली मैं। अगर मैं यहां रहकर राज नहीं कर सकती, तो मैं तुम सबको अपने लोक ले जाऊंगी, विनाश लोक। क्योंकि तुम सब मेरे सेवक हो। परियों को बंदी बनाकर रानी परी भी चली गई, कहीं होगा क्या? परिलोक का करेगा कौन मदद तब परियों के? बालवीर, मेरे भीतर बालवीर, उठना पड़ेगा तुम्हें और आना पड़ेगा तुम्हें मृत्यु के मुख से लौट कर। है आज सच्चाई को बालवीर की आवश्यकता। दोस्तों, इस तरह से रोने से कुछ नहीं होगा, हमारे पास अभी भी टाइम है पेंटिंग्स बना के सबमिट करने के लिए। देखो, अगर हम जल्दी जल्दी पेंटिंग्स बनाएं और सबमिट करें तो कैसे उस मोंटू के होश उड़ते हैं। चलो हम जल्दी से पेंटिंग्स बनाते, देखना फिर वो मोंटू। वाओ मेहर, वाओ, क्या मोटिवेशन स्पीच दी है तुमने। गुड गुड। वैसे भी इन दिव्यों को मोटिवेशन की स्पीच की जरूरत थी, क्योंकि कंपटीशन में सिलेक्ट सिर्फ मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी ही होगा। पूछोगे नहीं कैसे? कैसे? मैं कंपटीशन में क्वालिफाई हो जाऊं, इसके लिए मेरे पापा ने इस एरिया के सबसे फेमस पेंटर से मेरे पेंटिंग बनाई है और फाइनल में मैं जीत जाऊं, इसके लिए स्टेट के सबसे फेमस पेंटर्स मेरे लिए पेंटिंग बनाएंगे। तू तो इन पिद्यों की मेहनत वेस्ट जाएगी। हाँ,
वो तो होना ही है। लेकिन ये तो चीटिंग है। हाँ, ये तो चीटिंग है। हाँ, ये तो चीटिंग। चुप। चीटिंग, चीटिंग तो हाँ। मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी चीटिंग करके ही सारी कॉम्पिटिशन जीतता है। मेहर, अब क्या करें? देख मोंटू, तू चाहे कितनी भी चीटिंग कर ले, लेकिन जीत हमारी होगी, क्योंकि हम सच्चे हैं और सच झूठ से कभी नहीं हारता। दोस्तों, अच्छी से अच्छी पेंटिंग बनाओ ताकि हम इस मोंटू को टफ कंपटीशन दे सके। एक बार हम कंपटीशन में क्वालिफाई हो गए तो जीत भी हमारी होगी। मोंटू बॉस, पास रिकॉर्ड के हिसाब से जब तक मैं क्वालिफाई हुई तब तक आपकी बैंड बजी है। क्वालिफाई होगी तब ना, अब मैं इन पिद्दियों को क्वालिफाई होने दूंगा ही नहीं। अभी तो बस मैंने तुम्हारी पेंटिंग्स खराब की है, पर अब मैं तुम्हारा कलरिंग किट भी खराब करूंगा। नहीं मोंटू, तू ऐसा नहीं करेगा। मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी ऐसा करेगा, जिसमें भी हिम्मत है ना उसे आके रोक ले। देखिए गाल परी, मोंटू की शरारतें कितनी बढ़ गई हैं। इन्हें तो हम अभी सबक सिखाते हैं। ए, मारा, ए, तूने कौन मारा? आ, 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 ये आपने क्या किया रानी परी? इस तरह शक्तियों का इस्तेमाल करना संकट को आमंत्रण देने समान है। डरी परी, डर गई इस श्री श्री तोबा तोबा जी के डर से? क्यों डराओ? अब डराओ? वो क्या क्या आ गया की पूछा? अच्छाई को अच्छाई किए बिना चैन नहीं मिलता। देखो परियो, देखो, तुम्हारी रानी परी ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और मुझे उसके ठिकाने का पता चल गया। तुम्हें क्या लगा तुम्हारी रानी परी भाग जाएगी? वहां देखो, मेरी मंजिल मुझे खुद पुकार रही है। वाह, वाह महाविनाशनी, वाह! हो आप सचमुच सच्चाई की विनाशक। कर नहीं पाई आज तक जो कोई बुरी परी कर दिखाया, आज वो आपने। वाह, हो आप सचमुच महान।
की जय हो, महाविनाशिनी की जय हो, महाविनाशिनी। है? चली गई? श्री श्री तोबा तोबा जी की जय हो, बोलो, बोलो। अरे मन में नहीं मुंह से बोलो। नहीं कोई बात है, वो मही बोलता। श्री श्री तोबा तोबा जी की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। बालवीर, बालवीर, मित्र, मित्र उठो, मित्र, मित्र उठो, मित्र, मित्र उठो ना, बालवीर, बालवीर, बालवीर उठो ना, बालवीर, मित्र, मित्र देखो, देखो लौट आया तुम्हारा मित्र डुबा डुबा एक, देखो आंखें खोल कर देखो ना, देखो चल गया, मुझे पता हुआ है तुम्हारे साथ बहुत अन्याय, मिली तुम्हें उस अपराध की सजा जो तुमने किया ही नहीं, लेकिन मित्र आज हमारा परिलोक भयानक संकट में, हंसता खेलता हमारा परिलोक हो गया सुनसान, मित्र आज सच्चाई संकट में और हो निकाल सकते तुम ही उसे ही संकट से बाहर, मित्र उठो, उठो ना मित्र उठो, देखो देखो है तुम्हें हमारी दोस्ती का वास्ता, उठना पड़ेगा तुम्हें, उठो चलो उठो, उठो उठो, है तुम्हें हमारी दोस्ती का वास्ता, उठना पड़ेगा तुम्हें, उठो मित्र के साथ अन्याय, यही नहीं जो गलती उसने मिल नहीं सकती उसे उसकी सजा, अगर अगर है बचा परिलोक में सच्चाई का जरा सा अंश भी, तो होना चाहिए मेरे मित्र के साथ न्याय, होना चाहिए मेरा मित्र फिर से जीवित, होना चाहिए मेरा मित्र फिर से जीवित, होना चाहिए मेरा मित्र फिर से जीवित। बालवीर, बालवीर,
बालवीर, बालवीर, बालवीर, मैं यहाँ हूँ डुबा डुबाई। हाँ जो बाडू भाई,